नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। इटारसी में केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन और कांग्रेस के द्वारा भारत भर का समर्थन किया गया। इसमें इटारसी शहर के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और सदस्य गण और क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारी शामिल थे। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष श्री हरपाल सिंह सोलंकी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधारकों के नाम पर 3 अध्यादेश लाए गए हैं। सरकार इन कानूनों को कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव बता रही है, लेकिन ये बदलाव किस तरह से और किसानों को उसका लाभ कैसे होगा, ये सरकार अब तक देश के किसानों को ना बता पाई है और ना समझा पाई है। अतः आज भारत बंद का समर्थन किया गया, जिसमें कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। इस दौरान इटारसी जयस्तंभ चौक से रैली निकाली गई और किसानों द्वारा दुकानों को बंद करने का आह्वान किया गया। इस संबंध में इटारसी नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंकज राठौर ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा लाए गए ये बिल किसान विरोधी नीतियों का है, जिसके द्वारा किसानों पर अत्याचार थोपना होगा और इस बिल का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। इस संबंध में कृषि उपज मंडी इटारसी में श्री एसडीएम महोदय को क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा ज्ञापन दिया गया। इस दौरान क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र पटेल, युवा अध्यक्ष अरुण पटेल, मधु पटेल, पीयूष पटेल और पंकज चौधरी और कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार केलू, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर, किसान कांग्रेस अध्यक्ष राकेश चंदेले, जिला किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष नबल पटेल, राहुल दुबे, अमोल उपाध्याय, अजय मिश्रा, दुर्गादास भगोरिया के साथ समस्त कांग्रेसन उपस्थित थे। हम अन्नदाताओं ने एक ठाना है। विगत 5 महीनों से हम सड़कों पर हैं। विगत 5 महीनों से ये मोदी सरकार ने जो काले कानून लेकर आई है उसका विरोध कर रहे हैं। ये काले कानून जो है वो हमारे किसानों और मजदूरों के विरोध में नहीं है। आज हम खबर समय जगत के लिए जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी इटारसी में हैं और आज हमारे बीच है क्रांतिकारी मजदूर संगठन के जिला उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष महोदय, जिनसे हम ये जानेंगे कि आज किसानों की क्या मुख्य समस्या है जिनके कारण आज हमें आंदोलन करना पड़ा। 5 जून 2020 कोविड-19 के चलते हुए हमारी केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 अध्यादेश लेकर आई थी उनको लोकसभा राज्यसभा में पारित कर पास कराया गया। वो 3 कृषि कानून जो बने हैं वह किसान विरोधी हैं और जिसके कारण आज आप देख रहे हैं दिल्ली नहीं समूचे पूरे भारत में पूरा किसान संगठन एक हो गए हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसी केंद्र सरकार की कौन सी मजबूरी रही जो हमारे किसान उसका विरोध कर रहे हैं? तो किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपे जा रहे हैं। इन 3 कानून के कारण आज हमारे किसानों के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण आने वाले समय में खेती नष्ट हो जाएगी, पूरा व्यापार व्यवसाय खत्म हो जाएगा, ये देश खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं केंद्र सरकार ने जो काले कानून लेकर आए हैं इसमें संशोधन हो, एक कानून और जोड़ा जाए जो कि किसानों की लागत के आधार पर 1.5 गुना लाभकारी मूल्य जोड़ा जाए और उसे 12 महीने समर्थन मूल्य में परिवर्तित किया जाए, जिससे कि मेरा किसान 12 महीना समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच सके। आगे भी आप ये आंदोलन जारी रखेंगे? यदि 9 तारीख को केंद्र की सरकार किसानों के साथ जो बैठक होती है और उसमें 4th कानून मानने के लिए तैयार नहीं होती है, तो जब तक कि यह सरकार 4th कानून का परिवर्तन नहीं करती और इसको नहीं जोड़ती है तो ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। तो मुआवजा राशि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार मुआवजा के नाम पर किसानों को धोखा दे रही है। अभी आपने देखा 2018 और 2019 में जो बीमा राशि आई है
मेरे किसी किसान के खाते में 5 रुपये आए, 20 रुपये आए, किसी के 70 रुपये आए। जब किसान प्रीमियम कराता है, आप पटवारी हल्का नंबर के आधार पर बीमा काटते हो, और जब बीमा देने की बारी आती है तो किसी गांव में 5 किसान को मिलता है, किसी किसान को 10, और पूरा समूचा बीमा राशि गोल कर दी जाती है। तो बीमा के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसे बंद किया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति की किसान को इकाई माना जाना चाहिए। समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए आपका संगठन शासन पे किस प्रकार से दबाव बना रहा है? निरंतर आज से नहीं, कई वर्ष हो गए हैं, जो कि प्रत्येक किसान का कहना है, समर्थन मूल्य जो 12 फसल पर सरकार ने निर्धारित किया है, एक क्रम जारी रहना चाहिए। 12 महीने किसान की फसल बिकना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज रजिस्ट्रेशन करा लिया और 15 दिन खरीदा उसके बाद बंद। दूसरी बात, आज किसान 25 क्विंटल धान पैदा करता है, आप उसके ऊपर सोच देते कि 18 क्विंटल इसको खरीदी जाए, नहीं। यदि किसान ने 25 क्विंटल पैदा की तो पूरा 25 क्विंटल खरीदनी चाहिए। क्या मैं इटारसी से डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा, खबर समय जगत के लिए। इटारसी से समय जगत के लिए डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.